पुष्पा 2 इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। इंडिया में ये 5 दिसंबर और विदेशों में 4 दिसंबर को खुल रही है। तेलुगु सिनेमा की इस फिल्म की पॉपुलैरिटी ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि विदेशों में भी खूब है। तभी तो अल्लू अर्जुन की इस फिल्म की एडवांस टिकट बुकिंग ने विदेशों में इतिहास रच दिया है। खासकर यूएसए में इसकी तगड़ी एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म यूएसए से पहले ही दिन एक बड़ी ओपनिंग पा सकती है। पुष्पा पार्ट 1 के सुपरहिट होने के बाद इसके दूसरे पार्ट का जनता को लंबे समय से इंतजार था। रीशूट और पोस्ट प्रोडक्शन पर लंबे समय से काम चलता रहा जिसकी वजह से ये लगातार पोस्टपोन भी होती चली गई। बीते दिनों इसके ट्रेलर को बड़े लेवल पर लॉन्च भी किया गया। अब इसकी एडवांस बुकिंग देखकर ये कहा जा सकता है कि फिल्म एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। यूएसए की एडवांस बुकिंग ने तो कई पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं। प्रथांगिरा सिनेमास पुष्पा 2 को यूएसए में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उन्होंने ही जानकारी दी है कि यूएसए में पुष्पा 2 की $1 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस टिकट बिक चुकी हैं। पुष्पा 2 यूएसए में सबसे तेज $1 मिलियन की प्री सेल पाने वाली पहली फिल्म बन चुकी है। सिर्फ यूएसए ही नहीं बल्कि कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग खुलते ही इसकी धड़ल्ले से टिकट बिकने चालू हो गए हैं। हालांकि पुष्पा 2 की अभी इंडिया में एडवांस बुकिंग शुरू ही नहीं हुई मगर कई ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फिल्म 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का कलेक्शन करेगी। करीब 500 करोड़ रुपए के बजट पर बनी इस पिक्चर के ओवरसीज मार्केट का बिजनेस मेकर्स को बहुत उम्मीदें दे रहा है। तेलुगु के अलावा हिंदी पट्टी में भी इसकी कमाई की खूब उम्मीद की जा रही है। एडवांस बुकिंग और फिल्म के बस से तो पिक्चर का बिजनेस बढ़िया चलता लग रहा है। अब 5 दिसंबर को पिक्चर के रिलीज होने पर पता चलेगा कि इसकी कहानी में कितना दम है, क्योंकि अगर फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा नहीं रहा तो इसकी कमाई पर भी इसका असर पड़ना तय है। खैर, अब फिल्म की रिलीज का इंतजार है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं रन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।